subsoil. Hi, good morning. Welcome to my new blog. आजकल ज़्यादा लेट हो जाता है इसलिए कि थोड़ा रात में भी एडिटिंग खत्म करते करते लेट हो जाता है. टिफिन भूल गए हैं. टिफिन में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा चूड़ा है. अगर भूख लगेगा तो थोड़ा खाएंगे, इसलिए लेके जाता हूँ. 5:30 बजे उठना चाहिए था. मैं आजकल 6 बजे उठता हूँ, आधा घंटा लेट हो जाता हूँ, इसलिए थोड़ा जो भी थोड़ा बहुत पानी है थोड़ा नहा धो के, नहा तो नहीं पाता हूँ, थोड़ा फ्रेश हो के निकल जाता हूँ, फिर शाम को आके नहाता हूँ. ये एरिया तो पूरा कचड़ा हो गया. क्या करें, कोई डब्बा फब्बा एमसी वाला नहीं रखता है. सीट बहुत हाइट में है यार, तो थोड़ा नीचे करना पड़ेगा. ज़्यादा हाइट में है सीट, थोड़ा नीचे कर दिया सीट को. आज थोड़ा वेट ज़्यादा है ना, आज मंडे है ना, इसलिए थोड़ा वेट ज़्यादा है. इसको बुला रहा है. चलो भाई, पहुँच गया मैं इधर. आज इतना बारिश नहीं है, पूरा अंधेरा भाई, कुछ भी दिखा नहीं दे रहा है. सत्या, चलो चलो. आज ये दूसरा रास्ते से आ गया मैं. मेन रोड में ज़्यादा ट्रैफिक रहता है ना, इस रास्ते में आ गया मैं. थोड़ा दिन ट्रैफिक में जाना पड़ेगा, ये वाला रास्ता मैं जो यूज करता हूँ जब भी आपको मुझे साइकिल बनाने की ज़रूरत पड़ता है, तभी इस रास्ते में आता हूँ. थोड़ा सा लंबा पड़ता है इस रास्ता. पहले तो इस लाइन में गाड़ी नहीं चल रहा था, लेकिन आजकल थोड़ा चल रहा है गाड़ी. लोगों को अक्सर रास्ता मिल ही जाता है कहीं से. हम फिर मेन रोड में आ गए. यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर थोड़ा ट्रैफिक चलना पड़ेगा. मुझे कितना दूर है थोड़ा इधर से. इधर शायद बारिश हुआ था, कोई नहीं है क्या? पूरा अंधेरा है. चलो फ्रेश हो जाएंगे, फ्रेश होने के बाद फिर मिलेंगे. ये आजकल बहुत बिजी रहता है, बहुत मतलब कौन आता है कौन जाता है उसका कोई लेना देना नहीं है. बिजी रह जाएगी थी, पीछे देखो जी, पीछे बिजी नहीं. मतलब 15 दिन से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसको कोई लेना देना नहीं है. चार्ज नहीं है, चार्ज में बैठा जाएंगे भाई, वो चार्ज करने को मौका नहीं मिल रहा है. चलो हो गया. चलो भाई, चलो मेरा अभी नहाना धोना हो गया. पानी था मस्त, आज अच्छे से नहाया मैं, पूरा फ्रेश हो गया. कोई रूम में नहीं है, बाहर गए दो आदमी, वो सब बात कर रहे हैं मोबाइल में, और भीम उधर सोया है रूम में. खाना तो हो गया है. ये सब्जी इसमें है, पता नहीं कौन सी सब्जी है, आलू और कुछ सब्जी बनाया है. दाल है और ये चावल है, चावल को उतरना पड़ेगा. चावल तो हो गया है, उसको ले लेंगे, उधर रख देंगे चावल को. पूरा चावल रेडी है. खाना बनाने में ये लोग पीछे नहीं है, खाना तो बहुत बनाते, मैं कभी कभी खा नहीं पाता हूँ, इतना आइटम बनाते ये लोग. चलो अभी वेट करते हैं, फिर वो लोग आने के बाद खाना खाएंगे. ये क्या है, 7 अप. रोज कुछ ना कुछ आता है रूम में, इतना कोल्ड ड्रिंक्स ये लोग पीते हैं ना बोलने के बाद भी. बहुत पीते हैं यार ये लोग. ये जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह चीज़ें हैं ना, ये सब 90% शुगर रहता है, ये सेहत के लिए इतना अच्छा नहीं है. पीते जा रहे कितना ना बोलने के बाद भी. पता नहीं ये लोग कहाँ गए, वो आने के बाद उसको खाना खाएंगे. चलो पूरा झुंड आ गया, अभी खाना खाएंगे. दिनों खाए नहीं, धो लेते हैं, खाना खाएंगे. भूख भी लग रहा है, एडिटिंग भी बाकी है बहुत. थोड़ा बहुत बैठ के मैं एडिटिंग कर लिया, और बहुत बाकी है. मतलब चलो भाई, बेटी पाली ने मैं फोन कर ली. कल एक गांव का दोस्त आया था, उससे मिल नहीं पाया, वो चला गया. मैं आने से पहले ही चला गया. रहो ना जैसे आस्ते. इसमें भी कुछ है, इसमें क्या है?
ठीक है आज बढ़िया हुआ यार आइटम डाली। चलो भाई आज खाना बहुत बढ़िया हुआ है। मेरे को भी बहुत जाने का मन था यार गणेश पूजा में, लेकिन करे क्या, हम ऐसा ट्रैप में फंस जाते हैं ना कि चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। चलो खाना खा लेते हैं फिर बाद में बात करेंगे। चलो भाई खाना हो गया, अभी काका का अभी खाना अभी तक खत्म नहीं हुआ। चलो फिर स्टार्ट करते हैं एडिटिंग। कितना बजा अभी टाइम? 9:30 बज गया यार। चलो स्टार्ट कर देते हैं एडिटिंग, फिर बीच बीच में हम बात करेंगे। इधर तो हाँ मैं तो अंदर सोऊंगा, तुम तीन आदमी इधर सुन। हाँ ओके, इधर को थोड़ा साफ सफाई करके इधर तीन चार आदमी सो जाएंगे, हम दो आदमी अंदर सोएंगे। तीन आदमी भी हो सकता है, गांव नहीं है कि लंबा लंबा घर है, जितना आदमी आओ सो जाओ। इधर सब कुछ एडजस्ट होके चलना पड़ता है। इधर से तैयार कर रहे हैं अभी सोने के लिए, वो अजय आने के बाद फिर वो ये सब सारे चीज़ सो हटा के इधर फिर बिछाएंगे। मैं तो इसके अंदर सो जाऊँगा, काका सोया है, भीम सोया है, सो गए अभी पूरा नींद में सो गए। सब अंदर सो गए यार, वो लाइट बंद करने के लिए बोले इसलिए मैं लाइट बंद कर दिया। वो लोग सोए हैं ना, लाइट चालू करके मेरा काम करूँगा ये तो नहीं हो सकता है ना, इसलिए मैं बाहर आ गया। बाहर थोड़ा उस तरफ जाएंगे फिर घूम के आ जाएंगे, थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाएगा। दुकान सब बंद हो गया है, पूरा सुनसान है। बाप रे, इधर तो पानी पानी है। मैं सोचा था इधर थोड़ा बैठूँगा मेरा काम करूँगा, नहीं रूम को ही जाना पड़ेगा। किधर भी नहीं है बैठने को अच्छा से। को बहुत डर लग रहा है यार, ये कुत्ता आ रहे है ना, कुत्ता काटता है ये, इसका केस बहुत आता है, कुत्ता काटने का केस बहुत काटते है यहाँ का कुत्ता, अकेला देखेगा तो काट देते हैं। ये हमारा गले में सब लोग सो गए पर अंधेरा हो गया।